वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आओ, खुश आमदीद कह रहे हैं क्या ड्रामे मुकर्रम कलीम में। और ब्रेक पे जाने के बाद हम लोग मुब्तला हो गए दुख में। दुख था दुनियापुर का कि दुनियापुर के साथ क्या हो रहा है, लेकिन एक ड्रामा जो है वो जो कि बहुत अच्छा चल रहा है और उसका सब्जेक्ट जो है वो बहुत रेलिवेंट है। और आजकल जितना जिस तरह से एक मॉब कल्चर और जो हमने देखने को मिला है, और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में मॉब लिंचिंग के वाकयात भी हुए हैं, तो उसका अहाता करता है ये वाला सीरियल। और बहुत ही सेंसिटिव इशू पे, बहुत ही सेंसिटिव सीरीज़ जो है हम टीवी की, जिसको सुल्ताना सिद्दीकी जो है वो प्रोड्यूस कर रही हैं, जो उनके 50 साल मुकम्मल हुए हैं, उसके ऊपर पहला मंच हो गया है। उसके बाद नादान, और अगला जो आ रहा है वो है तन मन नीलो नील। उसकी कास्टिंग भी हो चुकी है, उसकी उसका शूट भी स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अभी जिस पर बात करेंगे वो हम करेंगे नादान पर। और रतिका जी, शुरू करेंगे आपसे। गुड प्रोडक्ट, वेरी गुड कॉन्सेप्ट, स्टोरी वाइज गुड मैसेज, बिकॉज इट्स बेस्ड ऑन ड्रग्स। एंड ये जो स्पेशली जो छोटी बच्ची है, आइस जो छोटी बच्ची है, वो उसको कैसे वो एडिक्शन पे चली जाती है। माँ बाप कहानी खुलती है ना कि मेरे माँ बाप लड़ते रहते थे, तो मैंने अपने दोस्त से कहा, तो उसने मुझे ये फिर एक पुड़िया ला के दी, क्योंकि मैं परेशान रहती थी। सो हाउ चिल्ड्रन हु लिव इन अ डोमेस्टिक वायलेंट सॉर्ट ऑफ इन्वायरमेंट ना, उनको उन पर क्या असर होता है। तो मैसेजिंग बहुत अच्छी है, मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ मैसेजिंग, पीर वाली मैसेज, वो आगे जाके पीर को आके उसी के बंदे काटते हैं। यू नो काशिफ ने जो रोल किया, बहुत अच्छा रोल किया काशिफ ने, हाउ ही टर्न्स ऑन द पीर, तो वेरी गुड। यानी कि वो जो होता है ना गुड एंड ईवल की जो एक बैटल होती है, ये गुड एंड ईवल की बैटल बहुत सिर्फ मज़ेदार तरीके से दो तीन ट्रैक्स में दिखा रहे हैं ये। आई हैव सम इशूज़ विद डायरेक्शन, एंड वेन आई कम टू डायरेक्टर वी विल डिस्कस इट, लेकिन अभी फ़िलहाल आई थिंक इट्स अ गुड प्रोडक्ट and and there's a lot of potential, and I'm hoping ke aage sahi chalta rahe, dip na kare. One thumbs up. Marina ji, so I like the story. I think the story is something that needs to be told, and I think ye jo Sultana pa kar rahi hai, hum TV mein like a celebration of 50 years of, and she's decided to do these short stories all with very strong messages. I think every channel should do it. Plays chote rakhe, solid actors pakde, solid writers pakde, solid directors pakde, and then you get products. हफ्ते में एक दिन तो ऐसा ड्रामा चला, ये भी हफ्ते में एक दिन चलता है ना ऐसा ड्रामा। एग्जैक्टली, तो हर चैनल अगर ऐसा स्टार्ट कर दे, एंड मेक इट अ सेलिब्रेशन, एंड इन दैट सेलिब्रेशन bring in new people also, if the work is good enough, obviously, but bring in new people, you know. Isme kya kehte hain, my only issue with I think this play is that mujhe dil pe nahi lag raha, you know, jaisa kehte hain na, like when manjogi wo dhak karke lag raha tha, maybe I'm comparing it with manjogi and maybe I shouldn't. As it stands on its own, I'm definitely, I think agar nadan pehle aa jata na तो बिफोर मंजोगी, उसके बाद आता है, क्योंकि मंजोगी वाज सो स्ट्रांग कि आपको उसका, हाँ या इट वाज वेरी स्ट्रांग, बट अदरवाइज नॉट वन स्टोरी, इट्स अ स्टोरी ऑफ ए एरिया। इट्स द पीर इज अ लिटिल वीक बिकॉज आई थिंक काशिफ इज तैयब इज सो स्ट्रांग एज अ कैरेक्टर, ही इज प्रोबेबली one of the strongest characters in the entire play. I think he's running the show, like pura show aap Tayyab ko dekhte hain, itna in your face hai aur wo itna acha kar raha hai. I mean agar again agar hum Karachi ka gunda lete hain ya Karachi, this is what it is, he is portraying it beautifully, you know, out of all the gangster you know dramas that we've seen. So uske samne peer bichara thoda sa weak ho raha hai, bura nahi kar raha, but wo zara sa weak ho raha hai, but otherwise for me I enjoyed it a lot, and so I'm going to give it a one thumbs up. Nadia, अच्छा ये drama जब start हुआ तब मुझे ज़रा slow लग रहा था, performances भी weak लग रही थी। ये जो अभी हमने कुछ चार episodes, ये कितने fourth and fifth, तो मैंने third onwards देखा, third देखा, fourth देखा, fifth, और मुझे बड़ा मज़ा आया कि it's very exciting. I think इस तरह का action हम फिर भी कर लेते हैं, वो ठूठा वाले action में अभी भी मसले आ रहे हैं, लेकिन इसमें सस्पेंस, मिस्ट्री, क्राइम, एक्शन जो चल रहा है ना, एक्शन है,
एक्शन है, है ना, तो ये बहुत ज़बरदस्त. और वाकई तैयब की एक्टिंग एज काशिफ, ही इज़ अमेजिंग. मुझे अब सबका काम अच्छा लग रहा है. मुझे अब रमशा भी अपने कैरेक्टर में ठीक लग रही है. हमारे जो पुलिस ऑफिसर हैं अहमद, अहमद अली इज ऑल्सो डूइंग अ फैंट. आई लव द वे ही टॉक्स. उसकी आवाज़ इतनी, उसकी डायलॉग डिलीवरी कुछ अलग है, किसी एक्टर की ऐसी नहीं है. इतना भी है प्यारा बोल रहा है वो. और उन दोनों की जो डिस्कशंस हैं, बातें बहुत अच्छी हैं. सीन्स ड्रैग नहीं है, फास्ट है, बहुत कुछ चल रहा है. मुझे पीर से ज्यादा पीर की बेगम अच्छी लगी. वाह वाह, क्या एक्टर हैं भाई. तो कौन एक्टर है उनके? मैंने शी वाज इन द अदर मीमी का जो प्ले था ना, वो जो उसकी चाची या ताई आती हैं, रिमेंबर? अब आगे गद्दी नशीन वही बनेंगी. अच्छा, मुझे इनकी किसी एक इंडियन ड्रामा सीरियल एक्टर एक्ट्रेस हैं, उनसे बहुत मिलती हैं. किसी से है? हाँ, लाइंस अगर आप और से सुने, लाइंस बहुत अच्छी हैं. मुझे मेरा राइटर का आएगा तो मैं बताऊंगी. मैं तो आई एम रियली एंजॉयिंग दिस ड्रामा, हर लिहाज से. शूट, पेस, प्लॉट, स्टोरी, लाइंस, एक्टिंग, एवरीथिंग वाज वेरी गुड. सीधी बात है, बहुत मजा आया. अब ये बहुत अच्छा हो गया, देखने के काबिल है. जरूर आप देखिए. मुझे भी ये फोर्थ एंड फिफ्थ बहुत अच्छी लगी. राइटिंग की बात करेंगे, साजी गुल, अधिका जी. नहीं, कहानी बहुत अच्छी है और इसमें कैरेक्टर्स भी बहुत अच्छे चल रहे हैं सारे. बहुत रेलेवेंट है और ये वो ऐसी कहानी है कि आप 20 साल पहले भी अगर बात करते तो ये कहानी रेलेवेंट थी और 20 साल बाद भी रेलेवेंट होगी. बिकॉज यही सिचुएशंस, यही सर्कमस्टांसेस, यही ड्रग्स, यही पीर, यही सब कुछ चलता रहेगा ना. ट्रेडिशनली एंड कल्चरली वील हैव दिस ऑलवेज. सो इट्स नो, इट्स लाइक अ टाइमलेस पीस. इसमें कोई वो नहीं है कि जी ये सिर्फ 80s में बन सकती थी या 2000 में बन सकती थी. ये तो इट्स गोइंग टू बी अ रेलेवेंट स्टोरी फॉर इयर्स टू कम. सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इट्स गुड राइटिंग एंड लोगों के जो इसमें जो कैरेक्टर्स आर वेल डिफाइंड, सबके अपने अपने जगहें बनी हुई हैं. मैं ये सिर्फ सोची थी कि शायद अकबर अली अहमद शुड हैव डन काशिफ्स रोल एक्चुअली, बिकॉज काशिफ्स रोल इज मोर पावरफुल देन. एग्जैक्टली, वो ज्यादा पावरफुल हो गया. वेरी पावरफुल. और देन मे बी इट वाज बॉब, हिज काशिफ्स अच्छा नहीं कर सकता, बट मे बी काशिफ हैज टर्नड इट इनटू समथिंग बिगर, है ना. बट ओवरऑल आई थिंक कुछ चीजें हैं, छोटी छोटी कमजोरी है, लेकिन द ओवरऑल पिक्चर इज वेरी गुड. सो आई थिंक आई विल गिव इट अ 8. मैना जी, तो कहानी बहुत अच्छी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू के अगर सुल्ताना ने अगर ये स्टोरी लाइन्स पिक की हैं कि इसमें ये था, इसमें ये चाहिए, इसमें ये चाहिए. सो इट्स अ वेरी गुड स्टोरी टू टेल, बिकॉज जिस एरिया और मोहल्ले की ये कहानी है उसमें एज अतीका सेज ये चीज़ें होती हैं. हुँ? पीरों को बहुत माना जाता है. और मीना जी, ये इतना अहम टॉपिक है. हाँ. आईज जैसे ड्रग, क्योंकि एक नया ड्रग आया है अभी. हाँ, क्रिस्टल मेथ है. पहले इस हमारे रीजन में इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था. हाँ. और ये बहुत चीप पैसों पे अवेलेबल है. और जो लाइक मैंने डॉक्टर से जब मैं क्राइम शो करता, मैंने उनसे इंटरव्यूज किए, वो कहते हैं ये हीरोइन से 20 टाइम ज़्यादा खतरनाक है और ईजिली अवेलेबल है और सस्ता है. तो ये जैसे नौजवान नस्ल को तबाह कर रहे, तो इस जैसे कि हमने एक ज़माने में हीरोइन पे बहुत ज़्यादा बनाए थे, अब वो सब माहौल हर एक के दिमाग में जो 90s किड्स हैं उन सब के दिमाग में बैठा हुआ है कि हीरोइन को बहुत ही ख़राब चीज़ है, इसके पास नहीं जाना. हाँ. तो ऐसी ज़रूरत है कि आइस के ऊपर इस तरह की बात हो कि ये एक नई चीज़ आ गई, दुनिया तरक्की करके तो चीज़ें भी नई नहीं आने लग गई. उनको पता ही नहीं है, पता ही नहीं है. एंड देन पीर की बात मानना ओवर अ डॉक्टर. We had a show in which this gentleman came to our show and he told us about we dehat gaon wagaira mein ek banda uske twins the and they had epilepsy. To ek de ilaaj ke liye bhej sakte the, ek peer ke paas unhone bhej diya and that kid died the same day because they didn't know how to handle it. So when you take a theek hai, you believe in God and you believe in God. Don't believe in what this man is saying. How can you believe in what? Because God has also given the doctor the same ability to cure Shifa. Your to cure your children. So I think that's a very good message also, that hospitals are very important. Instant treatment is very important. And as you said, ke ab drugs ka jo ek cheez, mujhe ek cheez batai, peer ko pata hai ki drugs, I think unhone jab kiya hai, peer ko pata hai ki drugs, main peer ki taraf se drugs aa rahe hain. Of course, abhi to apni dawai nahi leta, apni goliyan pharmacy se mangwata hai. काशिफ, तो ये जस्ट अनॉयड विद हिम फॉर गेटिंग कॉट.
तुमने मेरा नाम बर्बाद किया, पकड़े क्यों गए? वो कहता भी है कि कहता तुम करते रहते बिजनेस, पकड़े क्यों गए? सो ही इज बेसिकली प्रोवाइडिंग एंड कंट्रोलिंग पीपल विद देयर, मेरा ख्याल है बिकॉज़ इट कुड बी वेरी सेंसिटिव, तो उन्होंने बहुत ही उस तरह से दिखाया है कि ना कि पीर पे भी डायरेक्ट बात ना जाए, लेकिन तैयब को मैनिपुलेटिव दिखाया कि वो इस तरह सारी चीजें कर रहा है। लेकिन तैयब की जो मैनिपुलेशन है ना, आई मीन दैट आई थिंक ही डिड इट सो वेल इन दिस। वो कह रही है कि ये तो मर गया, कहते हैं आप क्या कह रही हैं इसको हॉस्पिटल, यू नो हाउ ही टर्न द होल स्टोरी अराउंड, आई थॉट दैट वाज वेरी वेल रिटन दैट सीन, एंड हाउ ही गोज आउट एंड स्टार्ट्स डूइंग, मुझे सिर्फ एंड आल्सो हर ब्रेवरी, आई रियली एम एंजॉयिंग हर ब्रेवरी, लेकिन इट्स बॉर्डरिंग ऑन बीइंग अ लिटिल नाइव, और ये लड़की नाइव नहीं है, शी इज अ पर्सन हु इज आउट देयर, बिकॉज आप जब इस एनवायरनमेंट में काम कर रहे होते हैं आपको एग्जैक्टली पता होता है कि कौन बंदा किस तरीके से, और आप इनको कैसे हैंडल कर सकते हैं, आप सिर्फ जाके धड़ल्ले से नहीं कह सकते ये मत करो वो मत करो, सो आई फील दैट दैट पार्ट इन इज अ बिट ऑफ अ फ्लॉ आई फाइंड स्क्रिप्ट में, कि उसको रियलिटी के साथ लोगों के साथ हैंडल करना होगा, लोगों के साथ बातें करनी होगी, इन्हें अगर बाप आ गया और वो कह रहा है कि भाई मैं अपनी बेटी को नहीं, आप नहीं कह सकते कि यू नो आप चले जाएँ और आपको नहीं पता मैं, यू नो वो दैट्स नॉट द रियलिटी ऑफ इट, द रियलिटी वुड बी कि वो उसको बहुत प्यार से समझाए कि वाई इज़ इट बेटर, यू नो दैट आई फील वुड हैव मेड दिस गर्ल लिटिल मोर सॉलिड। मुझे लगता है थोड़ी सी मुझे फ्रिवलिस उस लिहाज से लग रही है कि एंड में द लास्ट सीन इज़ कि यू नो शी गोज़ इनटू अ मॉब एलिमेंट, नो यू वुडंट डू दैट बिकॉज आप बिकॉज देखिए अगर आपने कहा कि मुझे बिल्कुल परवाह नहीं है एंड यू गेट शॉट टुमारो, फिर तुम आपका कोई फ़ायदा ना हुआ ना, आपका फ़ायदा तो तब होगा कि आप वो माइंडसेट चेंज करें। देन आई थिंक ये जो लड़का है उसका जो डॉक्टर दोस्त है ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, बिकॉज आपको नहीं मुझे नहीं समझ आ रही कि वो बाप के इशारों पे सारी चीज़ें मोहब्बत भी करता है लेकिन जब बाप कहते हैं कि तुम उसको भेजो खुद बाहर मत जाओ, वो फिर आई थॉट दैट वाज सो राइटिंग का नंबर, राइटिंग आई वुड गिव एन 8 आल्सो, वेरी नाइस एंड नादिया। अच्छा दोनों सीरीज में मंजोगी और नादान में राइटर ने कुछ चीज़ें रिपीट भी की हैं, जैसे मॉब लिंचिंग दोनों में, उसमें भी एंड में था ना अटैक करने लगा था, इसमें भी देखें वहाँ जा रही है कहानी। दूसरा ये कि मज़हब को कैसे लोगों ने एक्सप्लॉयट किया और अपना बिजनेस बनाया, ये दोनों में आई थिंक कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं जो ये इस सीरीज़ में लेके चल रहे हैं कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये कि इस पर बात करनी बहुत ज़रूरी है, विच इज़ जस्ट फैंटास्टिक। एक और सबक ये कि जब एक बार किसी पे भरोसा उठ जाए तो उस सांप को वापस नहीं घर में लाना। बड़े ज़बरदस्त सीन्स लिखे हुए थे जहाँ ये आके माफ़ी मांगता है और जिस तरह फिर पीर इसकी बेइज्जती करता है, बदनस्ल, और इतनी खौफनाक लाइंस थी वो जिसमें वो कहता है कि कम से कम कूड़ा भी तुमसे बेहतर है, कम से कम पता होता है कि किस घर का कचरा है, तुम्हारा तो ये भी नहीं पता, हो तुम कूड़े लेकिन किस घर से निकले हो ये भी नहीं पता, तुम एक बदनस्ल हो। उफ बहुत खौफनाक लाइंस थी, किसी का मैंने नहीं सुना कि इस तरह से इसको डिस्क्राइब करना। तो उसके बाद वो सुन के अब जो पक रहा है और अब उसको जहर देगा, दैट वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड। फिर सीन आता है जहाँ ये डॉक्टर क्या नाम है उनका, डॉक्टर ताबीर के बाप को जब पीर बुलाता है और फिर जो फिर वहाँ एक बड़ा ही पावरफुल सीन है जिसमें बाप भी उसको शट अप करा रहा है लेकिन ये भी उस पर इल्ज़ाम लगा रहा है और इतना गंदा बोल रहा है उसकी बच्ची के लिए और ये भी कहता है कि वो तुम्हारे घर का गंध है तो ये गंध मेरे इलाके में मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास उसका सही हल भी है, अच्छा जोड़ भी है, बदनस्ल, हिम्मत देखो, और एक बाप के गट्स हैं कि खड़ा है और उसका कुछ नहीं कर सकता, इतना पावरफुल ये पीर है। फिर मैंने कहा घर जाके शायद कुछ रिएक्ट करे, कुछ नहीं बेटी को कहता, सिर्फ ये कहता है कि पेरेंट्स कम विद अ एक्सपायरिंग डेट, वालदैन एक एक्सपायरी डेट के साथ आते हैं, कल को मैं नहीं होगा तो तुम्हारा क्या होगा, अभी तो मैं देख रहा हूँ, इसलिए तुम्हारी ज़िंदगी में कोई होना चाहिए जो तुम्हें प्रोटेक्ट करे, सिर्फ उस पूरे, देखिए ना ये भी कितना अच्छा मैसेज है कि कोई आपकी बेटी के किरदार और उसकी बात करता है तो उसके साथ नहीं हो जाना, पीर हो जो मर्जी हो, आप अपनी बच्ची पर भरोसा रखें, और उसने कोई रिएक्ट नहीं किया बल्कि हल बताया कि यार ये शादी कर ले तो कोई होगा इसको देखने वाला, मुझे बहुत 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 प्यारी वो लाइन्स लगी। बाकी इसके अलावा बाप बेटी की जो सर रख के सुनती है, बात करती है, लाइन्स आर ब्यूटिफुल, इवन डॉक्टर्स दोनों के जो उनकी लाइन्स है बहुत अच्छा है, और डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर जो बात हुई सारा, फिर मैं अब जो कहानी जहाँ चली गई है, जो उसने जहर जिस तरह दिया है, ओ माय गॉड, 15 मिनट में ये असर करेगा, और फिर उसके बाद उसको लेके चले आना और उसको बताया है कि मैंने ही तुम्हें मारा है,
और वो मरते मरते पीर साहब जो सुन रहे हैं और ये कि हॉस्पिटल नहीं लेके जाना, फिर लेकिन ले गए। और अब आगे जो होना है, इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, और ये सच के ऊपर मबनी है, फैंटेसी नहीं है, ये बेस्ड ऑन रियल लाइफ इवेंट्स हैं। तो ये देखने वाला ड्रामा है, क्योंकि अब जो है इसकी जान खतरे में, डॉक्टर की मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे लग रहा है इसका दोस्त भी इसको फंसाएगा क्योंकि उसके बाप ने उसको वहाँ से निकालना है। सारा इल्ज़ाम देखिए, शुरू में पेपर भी लिखा है कि डॉक्टर ताबीर का पेशेंट है, डॉक्टर ताबीर ने मना किया था, वो नहीं इलाज करी, तो अब क्राउड इसको जो मुंतशिर कहते हैं उसको हो गया है, क्या हो गया, मुश्ताइल। मुंतशिर क्या होता है? मुंतशिर होता है भगा देना उनको, मुश्ताइल होता है कि ऑपोजिट जो ये कह रहा है वो भी ठीक है। तो वो हो गया है, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, और अब वो इसका क्या असर करेंगे, तो वाह। तो राइटिंग नंबर, और फिर यहाँ याद रखें कि पहला एपिसोड, पहला सीन जिसमें पुलिस वाला को बुलाया है कि जी डॉक्टर ताबीर के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अब क्या हुआ डॉक्टर ताबीर के साथ, अल्लाह खैर करें। सो स्क्रिप्ट इज़ 9/9। और मैं यहाँ चीज़ ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि हमने वो मंशियात के हवाले से जो चीज़ थी वो उस पर बात की, लेकिन जब जिस तब ये मॉब को जो लोग ट्रिगर कर रहे होते हैं ना, वो बिल्कुल तैयब और काशिफ टाइप लोग ही होते हैं जो कि उस चीज़ को उस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं अपने बेनिफिट के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, और सिचुएशन कुछ और होती है। तो जब भी आप किसी की हाँ में हाँ मिलाने जाएँ या आप मॉब का हिस्सा बने, तो ऐसे लोगों से अवेयर रहें, क्योंकि वो खुद तो अपनी आखिरत ख़राब कर रहे हैं, उसके साथ आपकी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद कर देंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है इस ड्रामे में, और ये हर एक को देखना चाहिए। राइटिंग कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए 21,200 हुए हैं, और साजिक गुल के हिस्से में नादान से आए हैं 2011, 9% बनते हैं, 0.9 इनको मिले हैं। डायरेक्शन की बात करते हैं, मेहरीन जब्बार, अतीका जी, मेहरीन का अपना एक स्टाइल है, वो अपने स्टाइल के अंदर ही ये काम कर रही हैं, और वो जो डॉक्टर ताबीर के साथ जो दूसरे डॉक्टर हैं वो ऑब्वियसली पॉलिटिशियन के बेटे हैं, तो वो एक पॉलिटिकल टच उनमें भी आ रहा है, क्योंकि देखे ना जब वो बच्ची मर जाती तो सियासतदान और वो कितना खेल रहे हैं उसके ऊपर कि बोलें ना बोलें, कैसे बोलें। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ पॉलिटिक्स हैपनिंग ऑन द डेड गर्ल ऑल्सो। सो मेहरीन इज़ डन अ गुड जॉब। आई हैड टू क्वेश्चंस फॉर मेहरीन। एक तो ये था कि ये पुलिस वाले तो बड़े फारिग थे मेहरीन, बिकॉज ये कभी भी किसी भी वक्त अहमद अली अकबर एंड द फोर्स आर ऑलवेज इन द हॉस्पिटल ऑल द टाइम, घूम रहे हैं, जब भी जरूरत पड़ी बस टर्न अराउंड वो खड़ा है। मेरा मतलब है इस शहर में और कोई क्राइम कभी नहीं हुआ, नहीं होता, ये लोग कभी नहीं कहीं जाते, इधर ही एक टेंट लगाया हुआ है इन्होंने, राइटिंग में नहीं होगा, बट दे हैव ऑलवेज, नहीं बट डायरेक्टर कैन ऑल्सो से ना कि मे बी शी फोन एंड कॉल द पुलिस, आई मीन ही इज जस्ट ऑलवेज इन दिस हॉस्पिटल ऑल द टाइम, इज लाइक व्हाट, दे डोंट हैव एनीथिंग एल्स टू डू, व्हाई आर दे हियर। आप देखे ना, इफ यू वॉच द लास्ट टू एपिसोड, लेकिन वो सिचुएशन बनाते जरूर थे, आपको कहते थे अभी ये हो गया, इधर थाने में होता भागा वाला कहानी है, लेकिन रैंडमली बीच में भी पुलिस वाले वहीं हैं कॉन्स्टेंटली। एक वो सवाल था मेरा, दूसरा सवाल यह था कि जब एक पेशेंट ऑर्गन फेलियर की तरफ जा रहा होता तो वो कहाँ होते हैं अस्पताल में, ICU में? हाँ, तो ये क्या कहाँ लेटी हुई थी ये बच्ची? बच्ची तो वार्ड में थी, वार्ड में विद ऑर्गन फेलियर, right? I was surprised because Marin is a very detailed driven director. अंदर की organ failure में तो फिर ICU में किसी वो उधर, और अगर उस hospital में ICU नहीं है तो आप foreign refer करें ना, कि ambulance बुलवाएं इस बच्ची को refer। हाँ, but she's just lying in the ward on a drip and oxygen mask and that's not organ failure. Anyway, but you know, so I was a little, I was wondering because Marin is not, she's a very you know पक्की director. अब पता नहीं क्या, शायद उनको वहाँ पे वो कुछ जल्दी काम निकालना पड़ा, कुछ था मसला। But otherwise, overall, it's going well. It's doing well, and again, I have great expectations. अगले 2-3-4 episode हैं इसके, कितने हैं इसके और? I think 5-6 हैं, तो दो और हैं। और जो अच्छा, हाँ, next episode, second last episode। जो overall जो इसका कहानी, overall जो picture है, बहुत बड़ी picture है। ये मैं छोटे-छोटे सिर्फ कीड़े निकाल, मुझे लग रहा है कि जो मॉब वाले पूरा शूट किया था बहुत अच्छा किया, जैसे मॉब आ रहा है और जो उधर काशिफ का जो कैरेक्टर कर रहा है, जलसे वाला मॉब वाज, हाँ, जलसा वाज वेरी वेरी प्रोडक्शन वाइज वेरी हल्का द जलसा, लेकिन यस एंड में मॉब एंड ऑल, तो आई थिंक, बट एज आई सेड कि जो मेन जो कहानी है, जो मेन जो आइडिया है कि हमने क्या किस चीज़ से बात करना है, दैट्स कमिंग आउट वेरी वेल। सो आई विल गिव मेरिन 8/8। मरीना जी, सो आई जस्ट फेल्ट दैट जलसा पे दी, बिकॉज वो जलसे की बात इतनी हुई थी ना, और वहाँ ठुस लोग थे, इवन दो जब वो बात कर रहा होता है और एक्चुअल सर्मन दे रहा होता है अपनी, उस वक्त जिस तरीके से इसने शूट किया था वो सही था, लेकिन इनिशियली दे वर यू नो आई थिंक वहाँ एटलीस्ट डबल द अमाउंट ऑफ पीपल शुड हैव बीन देयर फॉर द थिंग। देन आई जस्ट फेल्ट दैट द बर्थडे सीन ऑफ द चाइल्ड एंड द
the nurses and all wearing those pointed topis was a little comical. It could have been done a little more subtly. चलिए इस बच्ची की लास्ट ख्वाहिश थी, उन्हें पता है मरने वाली है, वो कर रहे हैं तो उसको खुश कर रहे हैं, ठीक है, तो जस्ट द पीपल हु आर विद अराउंड हर शुड हैव हैड इट, लेकिन वो तो पूरे स्टाफ जो बाकी लोगों को भी सर्व कर रहे हैं ऑल, आई डोंट नो, आई जस्ट फेल्ट, मुझे तो स्वीट लगा था, ओके अच्छा, आई एम ग्लैड दैट्स हाउ आई फेल्ट, आई मीन लाइक आई सेड यू नो, बट अदरवाइज जो चीज एज शी सेइंग, जो चीज आ रही है उसकी आपको जो फील हो रही है इज तैयब स्कीमिंग, his ego, his treachery, it's built up so well that you are feeling like killing him yourself. You know, that whole part of it, I even like the scenes of wo jab wahan apne wahan jab gaddi nashin jo apna jo wo hai peer jahan wo baith ke apni sermons wagaira de raha hota hai, and I think Nadia ne shuru mein kaha tha mujhe uski biwi bahut achhi lag rahi, mujhe lagta hai biwi is going to play apart she's also doing a very good job. Nephew is a little weak, one or two of the side characters are a little weak, but overall kya kehte hain the storytelling part of it, the build up to, even though chota drama hai phir bhi the build up is done well, it's not dragging, it's not आप ये नहीं फील कर रहे कि यार इस पर ज़्यादा टाइम हो गया, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैसेज था, इसको करें, एवरीथिंग इज़ जेलिंग वेरी नाइसली. द पार्ट दैट आई ऑल्सो लव्ड वॉज जब वो मार रहा है उसको, वो मर रहा है क्या कहते हैं पीर, और उसने उसको पकड़ा हुआ है, ही इज़ क्राइंग बिकॉज वो एक अटैचमेंट तो थी ना इस आदमी के साथ. आई थॉट दैट वॉज अ वेरी गुड टच कि वो कत्ल तो कर रहा है बट ही इज़ डाइंग. Numbers. And I will give her 8.5. 8.5. Nadia. मैंने सोचा देखा कोई कितना ही कमज़ोर गरीब मस्कीन ज़रूरतमंद हो, जब उसकी बेइज्जती पे बात आती है ना वो फिर नहीं छोड़ता, बड़ा बुरा मारता है, और इस ड्रामे में भी वो हुआ. तो ज़रा सोच समझ के सबसे बात करें क्योंकि पीर साहब ने बड़ी बेइज्जती की है काशिफ की, बहुत सुथरी. तो डायरेक्शन में आई एम सो हैप्पी मेरीन जब्बार मुझे नज़र आएंगे इन एपिसोड्स में, शी वॉज देयर एंड शी वॉज इन कंट्रोल. परफॉर्मेंसेस निकलवाई भी हैं एक्टर्स से और शूट भी उस पर फुल उनका कमांड था, एक एक सीन बहुत अच्छा शूट हुआ हुआ था, बहुत कमाल. तो 9 टोटल बोर्ड जो कास्ट हुए हैं 22,100 हुए, और मेहरीन जब्बार के हिस्से में 1,402 6% बनने 0.6 इनको भी मिले हैं. और अब बात करिए रमशा की, अतीका जी. रमशा अपना काम अच्छा कर रही हैं, शी इज़ इन कैरेक्टर, शी इज़ गुड, एक्सप्रेशन भी अच्छा है, आई थिंक शी इज़ डूइंग अ गुड जॉब एंड शी इज़ कैरिंग द रोल वेल, एंड शी इज़ अ वेरी फाइन, यानी कि सिर्फ रमशा का ये है कि बिलीवेबल इज़ अ वर्ड आई लाइक टू यूज़, वेरी बिलीवेबल सिर्फ एक्टर, लगता नहीं कि वो एक्टिंग कर रही हैं, वो लगता है कि वो एक्चुअली वो डॉक्टर ताबीर हैं, डॉक्टर ताबीर लग रही हैं आपको, यू नो. और ये एक फाइन लाइन होती है बिटवीन दैट एंड looking like you're putting on an act, na? And again, simple look, in character, in her doctor's outfit, no glamour, no glitz, no glamour, just perfectly sort of set into the character and age appropriate. वो उस stage पे हैं जहाँ पे ये doctor वाला role उनको suit भी कर रहा है. So I will give Ramsha a 8. 8. Marina ji. So as I said, Ramsha is a, she's not a in your face actor. वो जब lines ही बोलती है ना वो बड़ी matter of fact अंदाज से बोलती हैं, and I think that's why it's so believable, this character. किसी से भी बात कर रही हूँ, you can't say कि ओ ये scene इसने over कर दिया, ये scene इसने under कर दिया, ये scene उसने वो कर दिया. दूसरी चीज़ है script, जो भी आपकी तरफ से आता है आपको उसको जस्टिफाई करना होता है, वही लाइनें बोलनी होती है, सो दैट ओनस में इतना नहीं आता एक्टर पे. बट आई थिंक रमशा इज़ डूइंग अ गुड जॉब. द ओनली थिंग इज़ लाइक आई सेड अगेन इन हर कैरेक्टर, द कैरेक्टर आर्क, उसमें मुझे थोड़ा सा फ्लॉ लग रहा है रियलिज्म का, कि जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं हमको लोगों से किस तरीके से बात करनी है, कैसे बिहेव करना है. बट डोंट थिंक राइटिंग में जाएगा क्योंकि राइट वही मैं कह रही हूँ ना कि उसका जो कैरेक्टर आर्क है ना उस पे जरा सा है बट नॉट हर परफॉर्मेंस. सो आई विल गिव हर एन 8 आल्सो. 8.
नादिया, दुनियापुर से कंपैरिजन करूं तो इसमें रमशा बहुत अच्छी, ज़्यादा अच्छी लग रही है और सूट कर रही है उस पर, जो ये रोल है बहुत सूट कर रहा है, और जिस तरह से उसकी वो एक सैडनेस है और कंसर्न है इस आइस को लेके, वो नज़र आ रहा है एज अ डॉक्टर हुज़ कंसर्न, जो अपनी जॉब से बहुत कमिटेड है और लोगों के लिए एक्चुअली परेशान है और बोल्ड है और डरती किसी से नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। गिव हर अ 9 9। अब बात करी जाए ऑडियंस के, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो हुए हैं 24,200 और रमशा खान के हिस्से में नादान से आए 1,502, 6% बनते हैं, 0.6 इनको ही मिले हैं। और अब बात कर ली जाए तैयब यानी कि काशिफ हुसैन की, जिन्होंने ये शो मेला लूट लिया है। अतीका जी, मेला, अच्छा मेल का कह रहा मेरा लूट लिया, क्या लूट लिया तुम्हारा सामान बता। आई थिंक काशिफ हुसैन हैज डन अ फैंटास्टिक जॉब, और इतना खतरनाक और इतना ट्रिकी कैरेक्टर ये कि इसको करने में भी इन्होंने मज़े ले लेके किए हैं, सो इट्स कम आउट द वे इट हैज़। एंड यहाँ पे ये कहना ज़रूरी है कि अक्सर हम जब बात करते हैं ना कि भाई ये रोल नहीं करना बहुत नेगेटिव है, ये रोल नहीं करना बहुत वो है, हीरो बनना है, ये सब अब बातें एक्टर्स को छोड़ देनी चाहिए। एक्टर्स शुड गो इनटू परफॉर्मेंस ड्रिवन रोल्स, जहाँ पे उनको लगे कि हम इसमें कुछ हिस्सा डाल सकते हैं और कुछ बना सकते हैं इसके साथ। एंड आई थिंक दैट काशिफ इज़ ऑल्सो नैपा ट्रेन, ही इज़ एन एक्ट मेंबर। आई एम सो प्राउड ऑफ यू काशिफ, यू हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब एंड आई नो आई वर्कड विद यू, सो आई नो कि आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं एंड बहुत कमिटेड एंड डेडिकेटेड एक्टर है। एंड आपके सामने एक्चुअली आई थिंक काशिफ इज़ द हीरो ऑफ द होल, नादान का जहाँ तक ताल्लुक है काशिफ स्टैंड्स आउट वे बियॉन्ड एवरीबडी एल्स एज द मेन कैटलिस्ट हीरो वट एवर यूड लाइक टू कॉल हिम, एंड आई थिंक ही इज़ अ 10 10। मरीना जी, काशिफ आई थिंक थ्रू दिस ईयर वी हैव सीन हिम इन 2 or 3 डिफरेंट, आई थिंक हमने उनको उसमें देखा अखाड़ा में, अखाड़ा जहाँ पे आप लोगों को समझ नहीं आया था खड़ा। हाँ, लेकिन स्टिल उसने अपना और जो महरीम वाला जो लास्ट प्ले था जिसमें दीका जी भी थी उसमें भी वाज अ पुलिस वाला, नहीं और ये वाला था जिसमें हस्बैंड बना था इसका, रजिया, रजिया में द इविल हस्बैंड, उफ ही वाज सो फ्राइटनिंग इन दैट, ही वाज सो फ्राइटनिंग इन दैट। एंड आई हैव डन अ प्ले विद हिम वेयर ही हैज प्लेड अ गुड गाय टर्न evil to nahi but turn nasty because he gets jilted, so I've seen him in so many variations, but I think the strongest performance that I've seen him do is this. I think Razia was one, even though he was there for 1 episode or 2 episodes. isme jo hai na, I think ye jo aakhri ye jo abhi jo humne jo mob ke sath jise manipulate karta hai mob throughout, even when he brings the body in, I think wahan jo uski baatein turn karta hai na, he just turns it into ke aap kyun nahi accept kar rahi, nahi nahi mare, kya keh rahi hai ye dekhe wo, you know, he just gives everyone a basic doubt, yeah, ke bhai this is how he's just done it. So aur uska jo ego hai wo aap dekh rahe hain ki wo beech mein aa raha hai, ego is such an important thing for him because he knows he's from nowhere, so that's the only thing he can hold on to. He lies to the wife, he lies to this person, he lies to that person. There was another scene, I think even jail mein jab, there was a scene where both of them are face to face, I think pichle episodes mein the, wo bhi bahut acha, I mean like it's just that, like maine kaha na ki apna Hania jo hai na dil se hi kar rahi hai role, mujhe lagta hai ye bhi dil se kar raha hai, I mean I think he does all of his roles like that, but somehow this one I feel that he's just gone in another direction, another so I will give him, let's give him a 10. 10. Why not? He's done such a good Nadia. job. मैं एक बात सोच रही थी कि खुशाल और काशिफ में एक बात कॉमन है जिसकी वजह से इन दोनों की एक्टिंग इज डिफरेंट, देयर इनकी बॉडी लैंग्वेज इज डिफरेंट। जैसे कोई एक्शन रेज गुस्से का सीन आता है, आप खुशाल को देखो और काशिफ को देखो, इनकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है एक अलग सा, एक इनमें एक, क्यों? क्योंकि दोनों फाइटर्स हैं। खुशाल इज़ अ बॉक्सर, सीरियस बॉक्सर, ये MMA फाइटर है। तो मुझे ये लगता है कि जो खास एक करंट इनमें आता है ना, कि लगता है कि अभी मारेंगे और बड़ी ज़ोर से मारेंगे, चेंज हो जाते हैं ये इस वजह से कि क्यों दे आर प्रोफेशनल फाइटर्स बोथ ऑफ देम।
तो काशिफ भी ऐसे nice observation मैंने ही ऑब्जर्व किया दोनों में यार ये खुशहाल से तो डर लगता है जब उसका एक्शन का सीन आता है मैं तो पिछले दिनों किया भी you have to control him हाथ को भी लगी मुझे भी लगी मैं तो सिर्फ उसका हाथ पकड़ा था बेटा थर्ड आई हाय दफाओ क्या किया तो खुशहाल के तो आप करीब भी ना आए जब एक्शन सीन हो उसमें ऐसी कोई एनर्जी आती है कि खौफ आता है लेकिन सेम मैंने काशिफ में देखा कि जब भी इसलिए इस पर सूट करा है इसको आप काम रिलैक्स रोल देंगे मज़ा नहीं आएगा इस पर सूट ही इसी तरह के एग्रेसिव फायरी किस्म के एक्शन वाले जो है ना बहुत सूट करते हैं लेकिन स्टिल जो उसने डायलॉग्स बोले पीर साहब के साथ जहाँ वो माफ़ी मांग रहा है जहाँ फिर वो आके शिकायत करता है कि जी मैंने आपके लिए किया मैं क्यों नहीं गद्दी नशीन मैंने क्या नहीं किया मैं ये और वो रोया फिर पीर साहब को तरस आ गया हाँ हाँ बेटा ये बात नहीं समझा करो नई जनरेशन आएगी तो चेंज आएगा तो वहाँ वो भी घबरा गए तो यहाँ मैंने काशिफ के दूसरे शेड्स भी देखे ये मुझे लगता है जो कैरेक्टर्स हमारे ड्रामों में सबसे मुश्किल होते हैं ना कोई नहीं कर पाएगा वो काशिफ कर पाएगा बट मुझे लेंस वाला अमीर बच्चा वो नहीं चाहिए ये पप्पू बॉय कैरेक्टर नॉट फॉर यू दिस इज फॉर यू और ये कैरेक्टर्स हर ड्रामे में आई थिंक जो मुझे इनमें मुझे इनमें ये अ न्यू गौहर रशीद नजर आ रहा है कि ये जैसे गौहर रशीद एक सर्टेन किस्म के कैरेक्टर्स करते हैं ना वैसे इनकी बहुत पावरफुल परफॉर्मेंस है वो भी इसमें है और इसमें जो मार पड़ी भी निशान दिखा रहा है इसके बड़े शेड्स थे इतनी वेरिएशन ऊपर नीचे एज एन एक्टर मैं काशिफ के काम से इतना इम्प्रेस हुई हूँ कि मैं कहती हूँ ही इज़ अ न्यू स्टार ही इज़ अमेजिंग और बहुत कुछ दूसरे हीरो काम कर रहे हैं जो बिल्कुल इंप्रेस नहीं कर रहे काशिफ कीप डूइंग दिस यू आर वंडरफुल और जितने पिछले दिनों था ना उंडा बनाने की कोशिश की है तेरे को मेरे को ये जो इसने काम किया है ना ये कोई नहीं कर सकता ये फैंटास्टिक 10+10 और 3 स्टार भी दे दो इसको ऑडियंस की बात की जाए टोटल वोट जो कास्ट हुए मेल कैटेगरी में 25,548 हुए हैं और काशिफ हुसैन के हिस्से में आए हैं ड्रामा सीरियल नादान से 1,786 7% बनते हैं 0.7 इनको मिले हैं तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल नादान का रिव्यू